शहरी निकाय के चुनावों को लेकर कांगड़ा के दोनों नगर निगमों में नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों ने पर्चा दर्ज करवाने के लिए खूब उत्साह दिखाया। रिटर्निंग अधिकारी धर्मशाला के पास 41 प्रत्याशियों ने आकर पर्चा दर्ज करवाया तो वहीं पालमपुर में 32 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। धर्मशाला में हालांकि बड़े चेहरों ने पर्चा दर्ज करवाने में उत्साह नहीं दिखाया। डिप्टी मेयर ओंकार नेहरिया, जो कि भागसू वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो पर्चा दर्ज करवाने तो जरूर पहुंचे थे, मगर वक्त ना मिलने की वजह से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। अगर बात करें पालमपुर शहरी निकाय की, तो बड़े चेहरों में से कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से राधा सूद, जो नगर परिषद पालमपुर की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ एसडीएम कार्यालय पालमपुर पहुंचकर अपना पर्चा दर्ज करवाया। अब आखिरी और अंतिम दिन नामांकन दर्ज करवाने वालों की भीड़ जुटने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला और पालमपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर भीड़ भाड़ नजर आने वाली है। आपको बता दें कि धर्मशाला शहर निकाय में 40,000 के करीब वोटर हैं, जबकि यहां 17 वार्ड हैं जिनमें अब तक 42 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल करवाए हैं। तो वहीं पालमपुर में 33,333 वोटर हैं और यहां पुरुष वोटरों से ज्यादा महिला वोटरों का दबदबा है। एसडीएम पालमपुर ने बताया कि उनके पास अब तक 33 प्रत्याशियों ने पर्चा दर्ज करवाया है, लेकिन अंतिम दिन भीड़ ना जुटे इसके लिए उन्होंने अपील की है कि कोविड को देखते हुए प्रत्याशी के साथ ज्यादा संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय ना पहुंचे। वहीं एसडीएम धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने भी जनता से यही अपील दोहराई है। आज कोई 41 के आसपास नॉमिनेशन जो भरे गए धर्मशाला एमसी इलेक्शंस के लिए, टोटल वोटर हमारे जो हैं वो कम से कम 40,000 के आसपास हैं, 38,389, उसके साथ आप 1,238 जो और बने हैं हमारे उनको जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम के डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, छोटी मोटी जो कमी पेशी थी हम ही उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने फॉर्म पर प्रॉपरली भरें और बिना किसी ऑब्जेक्शन के यहाँ जमा कराएं। पर यह है कि सीटें ज़्यादा है, जैसे 17 वार्ड है, 17 वार्ड में अगर एवरेज 5 लोग भी आते तो भीड़ बहुत ज़्यादा होने के आसार हैं कल। तो हमारा सभी शहरवासियों से दरख्वास्त है कि वो 3 या 4 लोगों से ऊपर डीसी ऑफिस तक ना आए, ताकि कम से कम भीड़ में जो है नॉमिनेशन हो सके। पहले मैं एक छात्र नेता रह चुका हूँ, विद्यार्थी परिषद से, मैं धर्मशाला कॉलेज में मैं अपनी सेवाएँ दी हैं, मैंने विद्यार्थियों के लिए काफ़ी संघर्ष और काम किए हैं। तो इस बार हमारा जो वार्ड है खेल परिषद, तो लोगों को काफ़ी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, कभी उनको लाइटिंग की प्रॉब्लम, नालियों की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे कोई हमारे स्वास्थ्य प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, हमारे यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, और पानी की समस्या से खासकर गदियाड़ा स्को ये काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जो है एक आज़ाद उम्मीदवार के इससे चुनाव लड़ना चाहता हूँ और लोगों की समस्याओं को हल करना चाहता हूँ। सर जीतूंगा तो मैं सबसे पहले तो अपने बाढ़ के जितने भी लोग जिनको काफ़ी एक तो पानी की समस्या, उसको वो मेरी प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता पानी की समस्या है, और काफ़ी वहाँ पे जो लाइटिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि रात के 7 बजे के बाद वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, और सबसे बड़ी वहाँ पे समस्या जो चली हुई है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की समस्या चली हुई है, जिसको लेके आए दिन राजनीति होती रहती है, छात्र आंदोलन करते हैं लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता। मैं उन छात्रों के साथ अपने बाढ़ के लोगों को लेके वहाँ के उसके लिए जो है संघर्ष करूँगा और उसका समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे।